दोस्तों आज हम एक ऐसे एक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने ऊट पटांग पहनावे और पॉइंट टू पॉइंट कपड़े के लिए जानी जाती है। किसी भी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए कपड़े डिजाइन करने वाली यह एक्टर आए दिन मुंबई की सड़कों पर अपने अतरंगी कपड़ों में घूमती फिरती दिखती है। एक्टर अपने इन कपड़ों के कारण सोशल मीडिया पर छाई रहती है, लेकिन इन्हीं कपड़ों की वजह से एक्टर को ज्यादातर ट्रोल होना पड़ता है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। ताने सुनने के बाद भी हमेशा मुस्कुराती रहती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस हंसती मुस्कुराती लड़की के पीछे कितना दर्द छुपा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उर्फी जावेद की। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिया शेख, कॉमन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। उर्फी जावेद आज चाहे कैमरे के सामने कितनी भी बिंदास रहती हो, पर उनके जीवन में एक समय ऐसा था जिसमें उन्होंने काफी दर्द झेला है। ये हमारा नहीं बल्कि खुद उर्फी जावेद का कहना है। एक इंटरव्यू के दौरान उर्फी जावेद ने अपने पिता से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया है। उर्फी ने बताया था कि उनके पिता उन्हें 2 सालों तक लगातार मानसिक और शारीरिक तौर पर खूब टॉर्चर किया था। उर्फी ने बताया था कि जब वो 11वीं क्लास में थी तब उनकी फोटो किसी ने एडल्ट साइट पे डाल दी थी, जिसके बाद उनके घर वालों ने भी साथ नहीं दिया था। पूरी दुनिया की तरह उन्होंने भी उर्फी को ही ब्लेम किया था। यहाँ तक के उन लोगों ने उर्फी को पॉर्न स्टार तक कह दिया था। दोस्तों, उर्फी जावेद का जन्म 15 अक्टूबर 1996 को उत्तर प्रदेश लखनऊ के मुस्लिम परिवार में हुआ। दोस्तों बात करें उनके परिवार की तो उनके पिता का नाम इफ्रू जावेद है और माता का नाम जाकिया सुल्ताना है। उसी के साथ उनका एक भाई और 2 बहनें भी हैं। उर्फी जावेद अपनी शुरुआती और बाद की पढ़ाई लखनऊ से ही की थी। दोस्तों बात करें उनके बॉयफ्रेंड की तो पारस कल नवाद को उनका बॉयफ्रेंड बताया जाता है, लेकिन आपको बता दें उर्फी जावेद अभी सिंगल है। दोस्तों उर्फी जावेद का ज्यादातर इनकम उनके ब्रांड प्रमोशन से होता है। उर्फी किसी भी ब्रांड प्रमोशन से लाखों रुपए चार्ज करती है। तो दोस्तों उर्फी के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि और भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। धन्यवाद।